नमस्कार सभी किसान भाइयों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्टिव फार्मर पे। किसान भाइयों, आज अपने बात करेंगे कि मस्टर्ड के अंदर जो शुरुआती अवस्था के अंदर जो इंसेक्ट का प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए अपने को कौन सा जो इंसेक्टिसाइड है वो करना है, कौन सा कीटनाशक है वो इसके अंदर छिड़काव करना है, या इसके अंदर जो डस्ट है वो भी कुछ लोग हैं जो डस्ट भी डालते हैं, पाउडर जो धूड़ा बोलते हैं अपने वो भी डालते हैं, उसके अलावा कुछ लोग इसके अंदर जो इंसेक्टिसाइड की स्प्रे करते हैं। तो इसके अंदर जो शुरुआती अवस्था के अंदर अपने को इंसेक्ट देखने को मिलते हैं, जिस तरह से अपने इसको हिलाएंगे तो इसके अंदर मच्छर है जो उड़ता हुआ दिखाई देगा अपने को, और वो पौधे को जो नुकसान करता है। तो इसके लिए किसान भाई है वो सस्पेंस में रहते हैं भी अपने इसके अंदर अगर स्प्रे की जाए या स्प्रे करें, या फिर इसके अंदर जो है वो जो अपने दूड़ा बोलते हैं जो पाउडर फॉर्म के अंदर इंसेक्टिसाइड आता है जिससे क्लोरोपाइरिफोस है, वो भी अपने को जो है जो पाउडर फॉर्म के अंदर मिल जाता है, उसके अलावा जो फैन बाल रेट है वो भी अपने को पाउडर फॉर्म के अंदर मिल जाता है, इसके अलावा मेलाथियन है वो भी अपने को पाउडर फॉर्म के अंदर मिल जाता है। तो ये जो तीनों ही इंसेक्टिसाइड है, मेलाथियन, क्लोरोपाइरिफोस, फैन बाल रेट, तो इसका उपयोग अपने को किस प्रकार से करना है ताकि अपने को जो ये शुरुआती अवस्था के अंदर इंसेक्ट है इसका कंट्रोल किया जा सके। तो ये मेनली जो मुख्यतः जो आप देख सकते हैं हमारे पास में जो ये कपास की फसल है या अभी जो ग्वार की फसल है उसकी हार्वेस्टिंग हो गई है, तो ये उन फसलों से जो नज़दीक होने के कारण उन फसलों से इसके अंदर मेनली जो तेला और वाइट फ्लाई अभी है, सभी जो अपने देख सकते हैं पत्तों के नीचे अपने को वाइट फ्लाई बैठी हुई दिखाई दी जाएगी उड़ती हुई। तो इसके लिए अपने को उस कॉटन से अपने को इस सरसों के अंदर शुरुआती अवस्था के अंदर ये इंसेक्ट प्रॉब्लम देखने मिलती है। जब भी कॉटन की हार्वेस्टिंग हो जाएगी तो ये प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अभी अपने को इसके अंदर छिड़काव करना है। ये अवस्था है जो 12 से 15 दिन की अवस्था है या 20 दिन की अवस्था, 15 दिन 20 दिन के उपरांत अपने को जो करना है। तो इसके लिए अपने को जो डस्ट लेनी है वो लेनी है 5 किलो प्रति बीघा के हिसाब से, अगर एकड़ की बात करें तो 8 किलो। उसको अपने को जो घरों के अंदर चूल्हे के अंदर जो राख होती है उसके अंदर मिक्स करके इसके अंदर अच्छे से छिड़काव करना है, ताकि उससे क्या होगा इसका जो इंसेक्ट का कंट्रोल है वो भी ख़त्म हो जाएगा। उसके साथ साथ अपने को जो तीनों इंसेक्टिसाइड मैंने आपको बताए मेलाथियन, क्लोरोपाइरिफोस, फैन वाल रेड, तीनों का जो डोज है वो प्रति बीघा के हिसाब से 5 किलो, अगर एकड़ की बात करें तो 8 किलो ये लेनी है अपने को। उसके अलावा कुछ लोग डस्ट है वो डाल नहीं सकते, उनको प्रॉपर डालने का जो तरीका है वो नहीं होता है, क्योंकि अकेली अगर डस्ट डालेंगे तो वो गिरेगी नहीं, आँखों में भी अपने जल सकती है। वो पूरी सेफ्टी के साथ आप मास्क वगैरह लगाकर मुंह पर फिर ही डालें, क्योंकि वो अपने शरीर के लिए भी नुकसानदायक है। अगर अपने स्प्रे की बात की जाए तो स्प्रे का जो खर्च है वो कम आता है, डस्ट का जो खर्च है वो 40 रुपये अपने को, 35 रुपये, 40 रुपये अपने को किलो मिलती है, उसका खर्चा 150 रुपये, 120 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से आता है। अगर अपने बात करें भी इसके अंदर स्प्रे कौन कौन सी कर सकते हैं इंसेक्टिसाइड की, तो अपने इसके अंदर मोनोक्रोटोफोस जो 50 ml 20 लीटर पानी के अंदर अपने डाल के उसको कर सकते हैं, अगर 100 लीटर पानी की बात करें तो अपने को उसके अंदर 250 ml लेनी है, 200 से 250 ml 100 लीटर पानी के हिसाब से अपने को, तो मोनोक्रोटोफोस। उसके अलावा अपने बात करें तो इसके अंदर आप जो बायफेंथ्रिन आती है वो अपने 1.5 ml पर लीटर वाटर के हिसाब से अपने को लेनी है, बायफेंथ्रिन से भी इसका अच्छा है वो कंट्रोल हो जाएगा। उसके अलावा अपने इसके अंदर अमीडा क्लोपरिड है वो भी अपने 17.8 है, उसका भी इसका अगर इसके अंदर स्प्रे करेंगे तो उससे भी अपने को उसकी जो डोज है वो 1 ml 1 लीटर वाटर के हिसाब से अपने को रखनी है। उसके अलावा आप इसके अंदर डाइमेथोड रोगोर है वो भी, उसकी भी स्प्रे जो है वो कर सकते हैं, उसकी जो डोज है वो 2 ml पर लीटर वाटर के हिसाब से अपने को रखनी है। उसके अलावा क्लोरोपाइरिफोस है वो भी अपने इसके अंदर जो है वो कर सकते हैं, उसकी भी डोज है वो अपने को क्लोरोपाइरिफोस की 2 ml पर लीटर वाटर के हिसाब से रखनी है।
तो ये चार जो इंसेक्टिसाइड है जो फोलियर स्प्रे करने के लिए, क्योंकि अभी इसके अंदर जो 50 से 60 लीटर पानी लगेगा प्रति बीघा के हिसाब से, तो इसके अंदर जो एक बार है वो कंट्रोल हो जाएगा मच्छर का, तो इससे सरसों है वो अच्छी चल पड़ेगी। तो दोस्तों ये थी मेरे द्वारा दी गई जानकारी, आपको जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर आप नए हो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।